हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया मेरे इस सीरीज़ के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल करके इसके लिए थैंक्स भी बोला। तो उन सब के लिए, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी जर्नी में मेरा थोड़ा भी योगदान रहेगा तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूँगी। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसमें उन लोगों ने मुझसे कुछ टिप्स भी मांगे थे कि अगर आप क्वेश्चन दे रही हैं तो प्लीज़ हम लोग को एक आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट भी बता दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग आंसर लिखते हैं उस पर आप फीडबैक देंगी तो फिर दोबारा हम लोग को लिखने में मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बेसिक आप मुझे हम लोगों को गाइडलाइन बता दीजिए, उसी पे हम लोग कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं उस चीज़ को इस बार इस वीडियो में फॉलोअप कर रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँगी और आपको लिखना कैसे है ये भी मैं बता दूँगी, और उसी वे में आप लोग मुझको आंसर लिख कर मेल करिएगा। और बहुत लोगों ने मुझे मेल भी किया था, तो ये जानकर मुझे खुशी भी हुई कि बहुत लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उत्साहित भी हैं, और दूसरे में कि उन लोग हेल्प भी चाहते हैं इस मामले में। तो मैं आपको आज जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें आपको कुछ टिप्स भी बताते चले जाऊँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है, और उसी वे में आप लोग आंसर लिखकर मुझे मेल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस में आपका सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी देखेंगे। सामान्य हिंदी में जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह आपका व्याकरण से दिया गया है, जिसमें लिखा क्वेश्चन है समास का क्या अर्थ है, इसके कितने भेद हैं, संधि एवं समास में अंतर स्पष्ट करें। अब आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको चार पार्ट्स में है, ये आपको सभी को पता है कि जो चार पार्ट्स में आपको ये सीरीज़ जो है आपको चार चार घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज़ बनाया गया है, जो कि मैंने आपको जो 60 डे का जो टारगेट आपको दिया था कि 60 डे में आपको सिलेबस कंप्लीट करके आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना है। तो उसी सीरीज़ को, उसी टारगेट को और उस सीरीज़ को फॉलो करते हुए मैं ये जो वीडियो सेट्स बना रही हूँ क्वेश्चन का सेट, तो इसमें आपको क्या करना है, चार चार घंटे में ही आपको हर सेट को कम्प्लीट करना है, और उसमें आपको इसमें के एक पार्ट को एक घंटे देना है। जैसे कि ये दो क्वेश्चन है तो आपका ये इसके लिए आपको मात्र एक घंटे का टाइम है, उसी तरह आपका GS1 के लिए एक घंटे का टाइम है, GS2 के लिए भी एक घंटे का टाइम है, और ऑप्शनल पेपर के लिए एक घंटे का टाइम है। तो आपको डेली चार घंटे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आप अगर खुद से भी क्वेश्चन चूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन को भी चूज़ करके आप सॉल्व करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ये सीरीज़ मैं इसलिए भी चला रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने मुझे मेल किया था कि आप हम लोग को एक बेसिक क्वेश्चन देते चले जाइए, जिससे हम लोग अपना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट देना है कि आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले समास का अर्थ सामान्य परिचय, ठीक है। उसके बाद इनके आपको फॉर्मेट में सबसे पहले हो गया आपका पहला समास का, इसमें आपका सामान्य परिचय हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस की यहाँ पर कमी है स्क्रीन पर। उसके बाद देखेंगे इसके भेद। अब भेद लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, जितने भी भेद हैं उनका उदाहरण भी देना है आपको, उदाहरण के साथ में आपको भेद देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधि एवं समास में अंतर स्पष्ट करें। तब वहाँ पर आपको क्या लिखना है, संधि का अर्थ, फिर उसके बाद लिखना है संधि और समास में अंतर। तो ये इस टाइप का आपका ये हो गया एक बेसिक आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर हो गया, इसी को फॉलोअप करना है। और हाँ, इसमें जो संधि है, संधि के बारे में भी आपको कोशिश करना है शॉर्ट में, इसके प्रकार के साथ साथ में आपको प्रकार के साथ में आपको इसके बारे में ये भी लिखना है। उदाहरण के साथ में भी आपको संधि के बारे में लिख देना होगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम।
तो सर यहाँ पर सर्वनाम क्या है, सर्वनाम एवं विशेषण में अंतर स्पष्ट करें। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह देना जिस प्रकार मैंने पहले क्वेश्चन को दिया। सबसे पहले सर्वनाम क्या है, मतलब सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। उसके बाद सर्वनाम के विभिन्न भेदों को लिखिए। पहला हो गया सर्वनाम की परिभाषा, दूसरा हो गया उसके विभिन्न भेद एवं उनके उदाहरण देंगे। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा आपका, क्योंकि संधि और सर्वनाम एवं विशेषण में अंतर देना है तो आपको विशेषण के बारे में बताना होगा एवं इसके भेदों को संक्षेप में, जितना आप सर्वनाम के बारे में लिखेंगे उससे कम में ही आपको संक्षेप में विशेषण का अर्थ उसके भेद के बारे में आपको लिख देना है। और लास्ट में आपको सर्वनाम और विशेषण में अंतर स्पष्ट करना है। इसका भी एक बेसिक फॉर्मेट आप दे सकते हैं। कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप अलग अलग दे सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह से दे दीजिए। यहाँ हो गया आपका सर्वनाम का परिचय हो गया, उसके बाद हो गया उसके भेद हो गया एवं उदाहरण हो जाएंगे। फिर आपका विशेषण के बारे में आप देंगे, उसके बाद सर्वनाम एवं विशेषण का अंतर लिखेंगे। तो ये आपका एक हो गया सेकेंड क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आइए देखते हैं GS1 के बारे में। GS1 में दो क्वेश्चन लिए गए हैं आपको। पहला है स्वामी सहजानंद के संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हो गया आपको लिखना है आपको स्वामी सहजानंद की संक्षिप्त जीवनी लिखना है, ठीक है। और संक्षिप्त जीवनी में आपको ये आंदोलन के बारे में उसमें नहीं आएगा, उसमें शॉर्ट में आप उसमें उल्लेख करेंगे। उसके बाद फिर कृषक आंदोलन में उनका जो योगदान था उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर बिहार में जो कृषक आंदोलन हुए हैं उसमें आपको बिहार में जो बेसिक और भी जो कृषक आंदोलन उनके बारे में आपको लिखना है और अंत में आपको एक निष्कर्ष देना है। तो आपको ये तो स्वामी सहजानंद को कृषक आंदोलन से जोड़ना ही है, लेकिन साथ में बिहार में जो यहाँ पे कृषक आंदोलन हुए उनके बारे में भी लिखना है और लास्ट में आपको एक निष्कर्ष देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार की पाल कला की प्रधान विशेषताओं का वर्णन करें। सबसे पहले क्या करना है कि बिहार की कला के बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है, सामान्य परिचय दीजिए। सबसे पहले बिहार में विभिन्न कलाएँ, बिहार में कौन कौन सी कलाएँ हैं उनके बारे में शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको पाल कला के बारे में, जितना विस्तृत आप लिख सकते उतना लिखिए। उसके बाद लिखना है आपको पाल कला की विशेषता थर्ड नंबर में, और फोर्थ में आप आएंगे निष्कर्ष की ओर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। आइए GS2 में देखेंगे, हम लोग को दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका भी निर्धारित समय आपका कितना है, 1 घंटे का ही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जीनोम तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा विज्ञान में इसके योगदान की व्याख्या करें। तो ये हो गया जीनोम, सबसे पहले जीनोम तकनीक की परिभाषा देना है, ठीक है। और जीनोम तकनीक, उससे पहले जीनोम तकनीक की परिभाषा दीजिए, इसका महत्व लिखिए, उसके बाद चिकित्सा विज्ञान में इसका योगदान लिखिए और लास्ट में निष्कर्ष देंगे। इस तरह से आपका इसका आंसर का फॉर्मेट हो जाएगा। सेकेंड में देखिए, लोक अदालत से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे पहले लिखेंगे लोक अदालत, ठीक है। इसका जो इसमें आपका लोक अदालत में आपका जब सामान्य परिचय देंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका उद्भव कैसे हुआ था और इससे संबंधित जो लोक अदालत से संबंधित जो भी आपको प्रावधान है उनके बारे में शॉर्ट में लिखिए। सबसे पहले आप सामान्य परिचय लिख दीजिए, प्रावधान लिख दीजिए, सेकेंड में, थर्ड में लिखिए कि इसकी कार्यप्रणाली लिखिए, ठीक है। कार्यप्रणाली लिखिए और शॉर्ट में यहाँ पर महत्व देंगे। ये देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको आधे घंटे में ही आंसर करना है तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में डायरेक्ट पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ कार्यप्रणाली पूछा है, तो ये आपको बृहत में देना है और लोक अदालत के बारे में बृहत में देना है। बाकी चीज़ें हैं उनको शॉर्ट में लिखना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष देंगे। उस तरह आपका आज हम लोगों ने मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल के रूप में क्वेश्चन के रूप में दिया है आपको। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दो क्वेश्चन दिए गए। पहला है लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में अंतर स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना, सबसे पहले लोक प्रशासन क्या है इसको लिखिए, उसके बाद आपको लिखना है लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को लिखना है,
तो ये हो गया पहला लोक प्रशासन का, लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। अब चूंकि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देना है तो आपको आपको निजी प्रशासन के बारे में शॉर्ट में लिखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 लाइनों में, ठीक है, 5 से 7 लाइन में लिखें। उसके बाद आपको लिखना है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में डिफरेंस को लिखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष देंगे। तो ये हो गया आपका इसका आंसर पहला का। फिर देखिए अगला है, बिहार में कल्याणकारी हेतु प्रशासकीय व्यवस्था की समीक्षा करें तथा सुझाव दें। तो सबसे पहले देखिए बिहार में कौन कौन से कल्याणकारी हुए हैं, ठीक है। अब उन कल्याणकारियों में प्रशासन की क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो किस लेवल की हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो शॉर्ट पहले बिहार में कल्याणकारी है, उसके बाद उसमें प्रशासन का योगदान, उसके बाद आपको समीक्षा करना है, ठीक है। आप समीक्षा करना है तो इसमें आप तर्क दे सकते हैं, पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं और विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको सुझाव देना है, ठीक है। तो सुझाव चूंकि ऑलरेडी कंक्लूजन का पार्ट होता है तो आप सुझाव लिख करके आपको शॉर्ट में कम से कम लाइनों में निष्कर्ष लिख देना है। सुझाव को ऐसा कीजिए कि आप कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज लिख करके अच्छी तरह से हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये जो सुझाव होते हैं अक्सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। सुझावों को अच्छी तरह से लिखना होगा और चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे तो आपको निष्कर्ष को जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको आज के जो सेट हो सेकेंड सेट हो गए हैं और इनको आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द कम टाइमों में सॉल्व करके, मीन्स आपको 4 घंटे में ही सॉल्व करना है, 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और ईच सेक्शन को 1-1 घंटा देना है और ईच क्वेश्चन को 1/2 आवर देना है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप देते हैं तो आपका एक जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे तरह से वर्क नहीं करेगा, आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्पीड को बढ़ाइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप लोग को राइटिंग चीज़ पर ध्यान नहीं देना, लेकिन कोशिश करना कि व्यवस्थित लिखिए और ऑर्गेनाइज करके लिखिए ताकि जो एग्जामिनर है उसको आपको कहीं भ्रम की स्थिति नहीं बने, आपको जो कॉपी चेकर है उसको कहीं भी आंसर फाइंड आउट करना नहीं पड़े, खोजना नहीं पड़े, आंसर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसको नज़र पड़ जाए कि आंसर स्टूडेंट ने आंसर क्या किया है। तो ये हो गया। और देखिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, 1 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, 1-2 क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजते हैं, तो उनके बार बार मेल आते रहते हैं कि मैं सेकंड बाद में भेज रहा हूँ, थर्ड बाद में भेज रहा हूँ। कोशिश कीजिए एक बार में लिख कर, है ना, अगर आप एक बार में नहीं करें तो कम से कम 2 घंटे का जो है सेट उसको बनाकर कंप्लीट करके मुझे मेल कीजिए, फिर बाकी 2 घंटे का आप बाद में मेल कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कल शाम तक मुझे 5 बजे तक मेल कर दीजिए ताकि मैं आपको कॉपी चेक करके आपका जो फीडबैक है आपको मेल कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अदर को भी, दूसरों को भी भेजिए ताकि अगर आप ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप आंसर राइटिंग का तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरे का भी आंसर आप देखिए, आपका आंसर देखिए, एक दूसरे का आंसर देखने से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और आप मेल करेंगे मुझे तो मैं आपको फीडबैक यहाँ से मेल में दे ही देती हूँ। तो इस आंसर को कोशिश करिए कल शाम को 5 बजे तक लिखिए ताकि मैं फिर बाद में आपको तीसरा सेट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और कोशिश कीजिए कि टाइम मेंटेन करने का, क्योंकि देखिए अगर आप जितना लेट से आप मुझे सेट भेजते हैं उतने लेट तो मुझे कॉपी चेक करने में उतनी लेट होती है और उसके बाद मुझे अगला सेट बनाने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम चूँकि कम है और आप लोगों का टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो देना है तो उसको मैं उस वे में ही चल रही हूँ कि उतने सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द सेट कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।